तारानगर तहसील के गांव सहवा में आज भगवान परशुराम महाराज की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शोभा यात्रा निकाली गई जो पारिक भवन से रवाना होकर मुख्य बाजार होते हुए गौतम भवन तक पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा करके शोभा यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज कल्याण, समाज में फैली कुरीतियों, संगठित होकर रहने व राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर अधिक से अधिक पार्लियामेंट में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि भेजने का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष युवा बोर्ड राजस्थान सरकार सुशील पारीक, कैबिनेट मंत्री, अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग ब्रिज किशोर शर्मा, सर्व ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, रतनगढ़ विधायक विनेश मैर्सी आदि ने भवन के आगे स्थित चौक पर मूर्ति का अनावरण किया। विप्र समाज की एकता और संतन को देखकर अति प्रसन्नता हुई, मन प्रफुल्लित हो उठा कि यदि हम इसी तरह से एकत्रित और संगठित होकर रहेंगे तो हमारे समाज की उन्नति और विकास करने के विकास में नीचे ही नए मोड़ आएंगे। सभी की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, सभी की अलग अलग मानसिकताएं होती हैं, सभी की अलग अलग कार्यशैली होती है, सभी की अलग अलग सोच होती है, लेकिन जब बात आती है मेरे समाज की, जब बात आती है धर्म की, जब बात आती है एकता की, जब बात आती है संगठन की, जब बात आती है शक्ति की, तब हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए। फिर हमारे बड़े भाई सुरेश मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हर मंदिर में आज परशुराम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह हमारी संस्कृति, हमारे देवताओं को, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही एक निवेदन करूंगा छोटा सा अंत में कि सभी ब्राह्मण एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें, स्वतः ही विकास हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है किसी बात की, वो किसी भी क्षेत्र में है, मैं ये कहूंगा एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दीजिए बस। अगर वो बुरा है तब भी आप चुप बैठ जाइए वहां, अगर उसके लिए कोई बुरा बोल रहा है तो आप चुप बैठ जाइए। अगर आप भी जब बुरा बोल रहा है और उसके साथ में साथ मिलाते हैं तो आप समझ लीजिए आप अपना ही बुरा कर रहे हैं। और जब संगठन संगठित होते हैं ना और संगठन में ताकत होती है तो आप देखिएगा, आज राजस्थान सरकार में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा। क्यों? क्योंकि आपका संगठन मजबूत था, आप संगठित थे, आप मजबूत थे। इसलिए जरूरी है कि हमें हमारे संगठन के लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई बुराई की आवश्यकता नहीं है, हमें सब अच्छा ही अच्छा बोलना चाहिए। हमारे समाज में कभी बुराई करना बंद कर दीजिए, आप देखिएगा आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य एक ब्राह्मण विप्र समाज के आगे खड़ा मिलेगा आपको। अंत में इस कार्यक्रम में आया हूं, आज तक एक बात अंत में कहूंगा भाई सुरेश मिश्रा जी के लिए, इन्होंने हमेशा ब्राह्मण समाज को जगाने के लिए जामवंत की भूमिका निभाई है। मोनिका जी ने जिस तरह से उद्बोधन दिया, सारगर्भित भी था, समाज को एक संदेश देने वाला भी था, तो बाकी सब लोगों ने भी अपनी अपनी तरह से अपनी बात को पहुंचाया। मित्रों, ये राजनीति का मंच तो नहीं है, और जहां कहीं भी हम राजनीति करने वाले लोग जब किसी भी समारोह फंक्शन में जाते हैं तो आयोजनकर्ता राजनीति करने वाले लोगों को बुलाते तो जरूर हैं, लेकिन ये कान में बात कहते हैं, ये संदेश देने की बात करते हैं कि भाई जी राजनीति की बात हमको इस मंच पर नहीं करनी है, इस मंच के लिए नहीं कहा है। लेकिन जहां कहीं भी कोई सामाजिक फंक्शन होता है वहां पर ये बात कहते हैं कि राजनीति की बात यहां नहीं करेंगे। लेकिन मित्रों, राजनीति करने वाले लोगों को बुलाते हो और उसके अंदर राजनीति की बात करने की बात नहीं करने की बात जब कहते हो तो बात अलग अलग तरह से आती है। हम राजनीति करने वाले लोग, मैंने मेरे पिताजी से, ये ब्रजकिशोर जी यहां पर बैठे हैं, मेरे पूरे परिवार को जानते हैं, जब मैंने राजनीति के अंदर प्रवेश किया, मेरे एक भाई पुलिस के अंदर SP थे सिविल लाइन्स फाटक के दूसरी तरफ, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए खड़े होते थे और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों को लेकर के आवाज बुलंद करने का काम पंडित बद्री प्रसाद महर्षि जी के दूसरे बेटे अभिनेश के रूप में आमने सामने दो भाई खड़े होते थे। पिताजी के सामने ये दुविधा होती थी और प्रणाम करता हूं मैं सावा के उन नौजवान साथियों का और सावा के प्रत्येक
समाज के विप्र का, जिन्होंने एक जज्बे के साथ परशुराम जयंती का, परशुराम जन्मोत्सव का, माफी चाहूंगा, परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम का आगाज आज 5 तारीख को किया। उसके साथ में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम भी किया। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, इतनी जबरदस्त तालियां आपकी हो कि पूरे जो सावा में जो लोग आज अपने आवश्यक काम से यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, अग्नि परशुराम जन्मोत्सव पर अवश्य यहाँ आए, फायदा उठा सकते। हम लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कहते हैं पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, दिन भर उसके पीछे लगे रहते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बताता हूँ कि खेलों में भी राजस्थान सरकार ने जो निर्णय इस बार किए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो दिया है, उन पर हम सब लोगों का ध्यान नहीं है। दूसरे समाज के लोग वहां आते हैं, अपने बच्चों को अलग अलग खेलों में वहां पर प्रवेश करवा रहे हैं। मैं आप सबको 2-3 छोटी छोटी जानकारियां दे देता हूं ताकि मेरे समाज को भी अगर उससे लाभ मिले तो मैं समझूंगा मैं सौभाग्यशाली हूं। अभी आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों के तहत अभिनेश महर्षि जी, भाई साहब तो विधायक है, पता है हमको, आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों के तहत राजस्थान सरकार ने सीधा खेलों से लगभग 20 लोगों को RPS बनाया, डिप्टी बनाया, 70 से 80 लोगों को सब इंस्पेक्टर बनाया और लगभग 150 लोगों को कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में सीधे तौर पे भर्ती दी। तो अब हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।